जहानाबाद जिले के तारा गुप्ता भवन में जिले के पंचायत वार्ड सचिव संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष नंदू विश्वकर्मा ने की। इस बैठक की अध्यक्षता घोसी प्रखंड के लखावर पंचायत के वार्ड सचिव अवधेश चौधरी ने की। बैठक में पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिला अध्यक्ष नंदू विश्वकर्मा और सचिव मोहम्मद मेहताब ने कहा कि नव निर्वाचित वार्ड की मंशा है कि जो वर्तमान में सचिव पद पर चयनित है उन्हें हटाकर नए सचिव की नियुक्ति की जाए, ऐसी चर्चा बनी हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लाए गए सात निश्चय योजना के तहत सभी पूर्व में से बहाल पंचायत वार्ड सचिव ने बेहतर अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सरकार द्वारा एक मानदेय और स्थायीकरण की जाए, साथ ही साथ हम लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश नव निर्वाचित वार्ड सदस्य और मुखिया नहीं करे, इस पर भी सरकार द्वारा रोक लगाने की मांग की ही। साथ ही साथ अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, इसी मुद्दे को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों के रोजी रोटी पर हमला हुआ तो हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे और जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को इस बात की जानकारी देंगे कि हम लोगों को स्थायीकरण और मानदेय दिया जाए, साथ ही हमें किसी प्रकार की साजिश का शिकार ना होने दिया जाए। इस बैठक में वार्ड सचिव संघ के नेता पप्पू कुमार, गणेश कुमार, सरोज संतोष, रजक सहित कई लोग मौजूद थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। और उसको धरातल पर लाने का काम किया है, ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक उस कार्य को धरातल पर लाया है और उसके एवज में बिहार सरकार ने अब तक हम लोगों को ना तो कोई मानदेय भत्ता और ना तो हम लोग को अस्थाई किया है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें हमारे जहानाबाद जिला के सभी पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए और उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद महतावाला, जहानाबाद जिला सचिव। बैठक तो हम लोग तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन जब तक नहीं आता है जब तक हमारा कोई प्रतिनिधि तो हटा नहीं सकता है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार से हम तैयार हैं और उसके बाद भी तैयार हैं। जो हमारे पक्ष में आएगा तो ठीक है, यदि हमारे विपक्ष में आएगा तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक या लेबर कोर्ट तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि विगत चार साल साढ़े चार साल से हम लोग काम करवाए हैं सरकार और सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है उनको मैंने सफल बनाने का काम किया। तो सफल बनाने के जब मैं काम किया हूँ तो निःशुल्क हम लोग काम किए हैं जिसका एक रुपया कोई मानदेय नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। मैं आप लोग के माध्यम से यह सरकार को सूचना देना चाहता हूँ कि आने वाला समय में शपथ ग्रहण से पहले हम लोग के जो अस्थाई और घोषणा करना है मानदेय देना को चालू कर दें, अन्यथा जैसे हम लोग के विरोध में आ जाएंगे सरकार तो हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग विरोध में उतरेंगे। और यहाँ तक नहीं पूरे जहानाबाद जिला नहीं पूरे बिहार में चक्का जाम, जिला पदाधिकारी के घेराव, वीडियो का घेराव मैं करूँगा। ये बात कहाँ से सामने आई, आप कैसे क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा कि हम लोग के अभी तक सरकार जो है अंधकार में रखे हुए हैं, क्योंकि 5 साल चुनाव अति कार्यकाल समाप्त हो गया, 4 साल अब नया निर्वाचन चुनाव जीत के आए हैं। उस तरह से जैसे मुखिया लोग हैं या वार्ड लोग हैं, इन लोग एक गठन बना रहा है कि किसी प्रकार से हम लोग अपने फेवराइट के अपने पक्ष के सचिव बनावे ताकि हमारा जो पैसा जो कमाने का जरिया है, कमीशन कमाने का जरिया है, वो हमारा कहीं विस्फोट ना हो। तो ये कब आपको पता चला, ये कैसे आपको पता चला कि पता चला? हमारे सचिव भाई जो हैं सब बैठे हैं, सब मैंने आज बैठक जो हम लोग किए हैं बैठक के माध्यम से पता चला है किस तरह से पंचायतों में सभी जगह ऐसा हो रहा है, सभी जगह ऐसा हो रहा है, पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है। लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हम लोग कांशन करना पड़े या उग्र आंदोलन करना पड़े या हाईकोर्ट कोर्ट का शरण लेना पड़े। क्या आप मानते हैं क्या वजह रही होगी इसके पीछे, क्या मतलब क्यों है? इसलिए एक सरकार जो सोच रही है कि हम प्रतिनिधि लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना फेवराइट चुने, सचिव अपना फेवराइट बनाए, इसलिए कि जो कमीशन खोरी है जो ज्यादा बढ़े ज्यादा कमाए, क्योंकि हम लोग तो बनने नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग 4 साल सीख चुके हैं। हम लोग के
सारे फाइल के सरकार को बनाने के लिए ऑडिट करवाने के लिए किसी का अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग अपने आप परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि सरकार ने हमें गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन के हम लोग पढ़ के उनको हम महाकांक्षी योजना को सफल बनाए। क्योंकि इनका महाकांक्षी योजना जो है, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप सीना चौड़ा कर रहे हैं 56 इंच का, उस तरह से पूरे 114,691 सचिवों का आप सीना चौड़ा करने का काम करें, ताकि हम लोग की बाल बच्चा रोजी रोजगार के लिए तड़पे नहीं, भूखे प्यासे मरे नहीं। बहुत सारा ऐसे हमारे सचिव भाई हैं जो कि आत्महत्या किए हैं, भूखे मरे। जब भूख जब मारते हैं व्यक्ति तो क्या करते हैं, पारिवारिक कला, समाज का कला, टोला टाटी का कला जब होता है तो वह अपना अत्याचार में वो अपना है जो प्राण को त्याग देता है, क्योंकि 4 साल काम किया है बेचारा, एक पूरा मानदेय नहीं मिला है। सरकार से मैं यही आगाह करता हूँ कि हम लोग को स्थायी कर दे, मानदेय दे और सरकारी कर्मी का दर्जा कर दे, ताकि आने वाला भविष्य में सरकार का भविष्य उज्ज्वल हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नंदू कर्मा, जिलाध्यक्ष वार्षिक संघ का।